मम्मी साहब, मैं इनके साथ भाग कर आई हूँ। ये तो तुम जानती हो ना, हम थोड़ी ना जानते हैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ भीमराव अम्बेडकर सीरियल की शूटिंग के लिए आउटडोर। तो दोस्तों आज का जो सीन होने वाला भाई, एक लड़का और एक लड़की के ऊपर होने वाला, मतलब जो कि ऊंची बिरादरी और नीची बिरादरी के जात के होते हैं, जो कि इनके में क्या रहता है, जैसे नीची बिरादरी के लड़का ऊंची बिरादरी की लड़की के साथ मतलब प्यार, दोनों के आपस में मतलब प्यार हो जाता है, तो दोनों भाग के शादी कर लेता है, जो कि इनके माता पिता को स्वीकार नहीं रहता। तो दोनों भाई भाग के भीमराव अम्बेडकर के पास जाता है, मदद मांगता है, तो उसका जो पिताजी रहता है केस कर देता है, तो इनको दोनों को जेल में बंद कर देता है। उन्हीं के लिए मतलब मदद के लिए भाई भीमराव अम्बेडकर ने जेल तक के वकील से भी मतलब लड़े हैं। तो आज देखते हैं इस सीन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। ये तो तुम जानती हो ना, हम थोड़ी ना जानते हैं। मगर अभी ये कह रही है ना। मगर मैं सुन नहीं रहा हूँ ना भीमराव, कानून के थाने में आके तुम अधिकारी को समझाओगे, तब तक ये इस लड़की को मार देंगे और हम इस लड़के को मार डालेंगे। मेरी बेटी है, कुछ भी करेंगे। बेटी है तो क्या मार डालेंगे क्या? और यहाँ पुलिस थाने में बेटा बेटे नहीं चलता है, या तो कोई न्याय के साथ होता है या न्याय के खिलाफ होता है, बस। जब दोनों पलड़ों में थोड़ा थोड़ा भाग है, और तुम्हारे केस में तुम्हारा पलड़ा बिल्कुल खाली है और मेघना जी का पलड़ा भयंकर भारी है, तो इसलिए अब तुम बोलना बंद करो। लेकिन न्याय ऐसे पलड़ों के खेल से नहीं तय किया जाता सर। चुप हो जाओ, कब से बकवास कर रहे हो, जाओ यहाँ से। क्या है यहाँ पर ये? अभी देता है लोग को और बोलो क्या है यहाँ पर ये? किस बात का जुलूस है? अरे यार सुनो, दूसरे की बात पहले सुनने से अपने लाइन बोले जाते, किसके बात क्या है पहले सुनो। सुपर नेपा नेता आदि नेता, हाँ हाँ, एक्शन। क्या है यहाँ पर, किस बात का जुलूस है ये? इस बात का जुलूस नहीं होता है यार, जुलूस चल रहा है क्या? क्या है यार मैडम, आप वीडियो में देख रहे होंगे भाई कि मतलब किस प्रकार से जेल के अंदर शूटिंग हो रहा है। मैं तो इस सेट के बाहर हूँ, ये देखिए, जो कि मतलब दोनों के बीच में एकदम ज़्यादा गहरा प्यार है भाई, जो कि जेल के अंदर भी जाके मतलब कैसे रो रहे हैं वो देखे। उनके पिताजी बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो कि मेघनाथ विलन जो गुंडा रहता है, वो भी उनके साथ ही है, मतलब फिर भी उन दोनों के आपस में इतना ज़्यादा प्यार था। दोस्तों चलते हैं आगे का सीन देखते हैं और क्या क्या होते हैं। फ्लैश, एक पानी बॉटल दे दो दादा। सब अच्छी बातें करते हैं साहब, समाज में अच्छी तरह से रह सके ऐसी बातें करते हैं। देखा अधिकारी साहब, अब तो न्याय करना ही पड़ेगा, अब तो सोचना ही पड़ेगा आपको। अभी अभी आपने कहा ना, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा भार दोनों में होना चाहिए। ये लोग ऊंची जात के हैं, अगर ऊंची बिरादरी के कुछ लोग अलग और साधना के खिलाफ है, तो ये ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उनके पक्ष में हैं। तो अब न्याय मेरे और मेघनाथ जी के बीच मत कीजिए, इन सब के बीच कीजिए। और रही बात बिरादरी की, तो मैं भी ऊंची बिरादरी का हूँ, तो आपके हिसाब से मैं कहता हूँ कि साधना ने जो किया वो सही किया, इसलिए उसे ऐसे ले जाने नहीं दे सकते हम। मेरी बेटी है, कुछ भी करे। मेरी बेटी है, कुछ भी करेगी। बेटी है तो क्या मार डालेंगे क्या? और यहाँ पुलिस थाने में बेटा बेटे नहीं चलता है, या तो कोई न्याय के साथ होता है या न्याय के खिलाफ होता है, बस। बताइए सर क्या करना है? देखना जी, अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके साथ सिर्फ ऊंची जाति के ही नहीं। मेघना जी, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे सर। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपका तुरंत है, हमारी बेटी है और हम उसे लेकर जाएंगे। उसके बाद मेघना जी वापस चले गए पीछे सब का, हाँ वापस ले लो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हमारी बेटी है और हम उसे लेकर जाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे।
छोड़ दो इन लोगों को। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे साहब, छोड़ना पड़ेगा, ऊपर से हो रहा है तो सब जेल जाएंगे। बाहर भी गए आदेश, बाहर भी आदेश, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश। हाँ बोलो बोलो, बाहर जेल में जाएंगे सब, ऊपर से आदेश है, बाहर भी गए आदेश। रुको रुको, फिलहाल के छोड़ देते, धन्यवाद साहब। और आप हर जगह ये घोषणा कर दीजिए कि अगर इन दोनों को किसी ने हानि पहुंचाई तो जिम्मेदारी ये लेंगे। जिम्मेदारी ये लोग लेंगे, बस ये नहीं करना। मैं इधर रखूंगा ना इसे, वो क्या क्या कर दिया यार। क्या बदतमीजी है ये? क्या नाटक है ये भीमराव? हाँ अरे कैसे आदमी हो तुम, इतना बड़ा झूठ बोला, गंदा झूठ बोला तुमने इस आदमी से, इन्हें दौड़ाते हुए ले आए। तो भाई इस वीडियो को देख के मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने जेल के अंदर भाई उन दोनों के लिए इतना ज़्यादा मतलब फुल कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, जो कि क्या है पहले ज़माने में जिंदा जला दिया जाता था। अगर हम पिछले ज़माने को अगर पकड़ के चलेंगे तो जो कि अभी के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है भाई, अगर पिछले के ज़माने को अगर पकड़ के चलेंगे माई चांस तो क्या प्यार करने वाले को जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन अभी के डेट में ये केस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये तो सृष्टि ख़त्म हो जाएगा। तो वही सब चीज़ को देखते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सब चीज़ बदला है भाई, अगर वो अगर नहीं होते तो सब पता नहीं आज क्या होता। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में लेट्स गो बाय।